हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कोमल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेट्स कमेंट्स के बारे में। यार भाई, मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। जैसे कि कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं और कुछ बुरे कमेंट्स आते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था स्लेट पेंसिल वाला, तो मेरे उस वीडियो में मुझे काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स आए, लाइक्स आए। उसी तरह से मुझे कई सारे हेट कमेंट्स भी आए, तो आज मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे मैंने आज तक किसी के में गलत कमेंट नहीं किया भाई, प्लीज। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी, लाइक किया, कमेंट किया और आज हमारे 500 सब्सक्राइबर की फैमिली बन चुकी है। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम हेट्स कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले, सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सो मेरा पहला कमेंट है एस दीवी आहूजा, इन्होंने मुझे कमेंट किया है बेवकूफ। गाइज, मैं इनको बेवकूफ दिखती हूँ? खैर कोई बात नहीं, इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखी, कुछ भी लिखा उन्होंने, बेवकूफ भी लिखा तो भी कोई बात नहीं। हो सकता है उनका मन हो कि मुझे बेवकूफ बोल देने का, उनको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी हो, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट कमेंट है स्वप्निका एम, इन्होंने कमेंट किया है ओवर एक्शन, ओवर एक्टिंग भी नहीं है, ओवर एक्शन चेपटुंडी। चेपटुंडी गाइस, चेपटुंडी क्या होता है ये तो मैंने खुद पहली बार सुना है। खैर कोई बात नहीं, धन्यवाद, इन्होंने भी मेरी वीडियो देखी, मुझे चेपटुंडी भी कहा। पता नहीं ये चेपटुंडी वर्ड इन्होंने कहाँ से लाया है, मैंने भी पहली बार सुना है, तो चेपटुंडी लिखा। एनीवेज, हम नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। मोनिका कील, इन्होंने कमेंट किया है ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट तो हुई मैं, हो सकता है मैंने ओवर स्मार्ट लगी हो। गाइस, बाहर नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, तो ठीक है। नेक्स्ट कमेंट पढ़ती हूँ, साहिल खान। गाइस, इन्होंने कमेंट किया है तू खा तो ले सारे ऐसे बोल रही है पागल, इनको मैं पागल लग रही हूँ। ओके, शायद लग रही होंगी उनको मैं पागल, तो ठीक है, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने भी मेरी वीडियो देखी फिर उन्होंने पागल बोल दिया, तो चलो ठीक है, पर ऐसे कमेंट मत किया करो यार, बुरा लगता है। मिंटू माशीष, इन्होंने कमेंट किया है आ रही है आपको देख के ओवर एक्टिंग। ओ तो इनको मुझे देखकर ओवर एक्टिंग आ रही है। गाइस, अब मैं ओवर एक्टिंग क्या कर दी मैंने, जो रियल था वही किया था मैंने, ओवर तो कुछ भी नहीं किया था गाइस। शकीला खातून, गाइस इन्होंने कमेंट किया है इतनी बेहूदी वीडियो मैंने कभी नहीं देखी। ओ तो इन्होंने इतनी बेहूदी वीडियो कभी नहीं देखी। सो गाइस, आज तो देख ली ना इन्होंने, वैसे सब कुछ देखना चाहिए, कुछ अच्छी वीडियोस होती है कुछ खराब होती है, तो इनको मेरी वीडियो बेहूदी लगी, कोई बात नहीं, इनका भी शुक्रिया करते हैं हम, शुक्रिया धन्यवाद कि आपने भी मेरी वीडियो देखी बट आपको अच्छी नहीं लगी। सो गाइस, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है, सो प्लीज़ गाइज ऐसे कमेंट्स मत कीजिए। जितने भी लोगों ने मुझे ओवर एक्टिंग कमेंट किया है इन सब का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, बट प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत कीजिए क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, फिर भी मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ गाइज। सो मैं इसी तरह की कोशिश करते रहूँगी, और कलम खाना ये कोई मेरा कोई विषय नहीं था, ये तो बस मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था इसीलिए वो वीडियो बना ली। वैसे मेरा फनी चैनल है, मैं फनी सी वीडियो बनाती हूँ, इंटरटेन करती हूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट लाती हूँ मैं, और ऐसी कोई वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत कीजिए। और अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। सो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।